बर्फ गिर रही है। सो यही है भाई साहब विनिपेग। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप यू डूइंग गुड। सो आज है 13th of November और मैं अभी जा रहा हूँ अपने भाई के घर। सो भी बर्फ इतनी गिर चुकी है मेरी कोहनी तक। सो टेम्परेचर तो मेरे को वैसे सही लग रहा है, ऐसा इतनी ठंड नहीं लग रही, बट दिक्कत कहाँ आ रही है वो है चलने में, क्योंकि स्लिपरी बहुत है नीचे, देखो बर्फ जमी पड़ी है। सो और अभी मैंने स्नो शूज़ भी नहीं लिए हैं, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि अब ब्लैक फ्राइडे से लाएगी, सो उसमें लूँगा, उसमें थोड़ी चीप पड़ जाते हैं, सेल सबसे बड़ी होती है ना कैनेडा में। सो इस वजह से मैंने शूज़ भी लिए हैं, बाकी उनकी ज़रूरत तो मुझे लग रही है अभी, बिकॉज स्लिपरी बहुत है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो ध्यान से चलना पड़ रहा है। और अभी बस के लिए मुझे 1.7 किलोमीटर्स कवर करना है, टाइम अभी हो रहा होगा 1:30 और बस है 1:50 चलिए ऐसा कुछ। सो चलते हैं भाई, स्लिपरी बहुत है। जो भी विनिपेग आने की सोच रहे हैं, सो दिस इज विनिपेग। इतनी बर्फ गिरेगी, अभी तो स्टार्टिंग है, 7-7 फुट तक जाएगी इतनी ऊपर बर्फ। मेरा फर्स्ट ही टाइम है इतनी स्नो में, एक ही बार देखी थी मैंने पिछली अभी तक लाइफ में स्नो। और आज भी ठंडे हो रहे हैं, सो व्लॉग कम करूँगा बस में, देखते हैं और कहीं जगह चलना मुश्किल है यार, क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन। मैंने भी ग्लव्स और कैप डाल लिया है, बिकॉज थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो रही है, बाकी सही मौसम हुआ है, सही तो क्या ही, बर्फ ही गिर रही है यहाँ पे, ठीक है चलने में यहाँ डिफिकल्टी नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे जमी नहीं हुई इतनी आई, तो देखो पैर थोड़ा थोड़ा तो भाई फिसलता है, तो स्नो शूज इज मस्ट फॉर हेयर। Glass while I'm thinking in my head. ये रास्ता बंद लग रहा है, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा और रोड भी क्रॉस करनी पड़ेगी। अब सब क्लियर अप कर सकते हैं, बाकी देखना पड़ेगा बस कहाँ पे कम है, पर उसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हो गाइस, इसमें पैर डाल के देखें, ओ भाई फंस रहा है। अब हमने साइड चेंज कर लिया, पहले मैं साइड चल रहा था, अब मैं साइड आ गया हूँ। ये देखना जॉगिंग कर रहे भाई ठंड में, वो भी कैपरी में, निक्कर में भाई, सख्त है। इस ये देखो मेरे घर के पास एक हिंदू टेंपल है, बिल्कुल पास में ही है, इसके अंदर सारे भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, और इसके बगल में है ओल्ड एज होम। सो यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं है बर्फ़ जमी हुई, सो ये ठीक है यार, यहाँ पे चलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो कितनी कितनी बर्फ़ इकट्ठी करी हुई है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्टॉप पे, 55 नंबर बस आएगी और अभी 10 मिनट पड़े हैं, 11:47 हो गए, 11:57 में बस आएगी, तो अभी तो वेट ही कर सकते हैं। बाकी ये देखो स्नोमैन बनाया हुआ है किसी ने, स्ट्रगल इज सो रियल। अभी देखो स्नो गिर रही है, यू कैन सी, और मेरे हिसाब से डाउन टाउन है, और बस ही नहीं मिल के दे रही थी, फिर दोबारा किया मैंने गूगल पे, अब आएगी उधर आएगी बस, और मैं यहाँ पे अभी ऊपर स्नो से बचने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। कोई ऐसा कोई स्टॉप भी नहीं है जहाँ पे हम
बैग खड़े हो सके, ऊपर स्नो में ही खड़ा होना पड़ रहा है। बैग दिखाता हूँ और साथ के साथ ये जी शॉक है, इसके अंदर भी नमी आ गई है, सो आप सपोज कर सकते हो कि भाई कितनी ठंड है। अगर इसके अंदर भी भाई वो जम सकती है ना, सो तो भाई ठंड बहुत है। दो व्लॉग पहले देखा होगा कैसे साफ पड़ा था, और अब देख लो बर्फ गिर रही है। सो यही है भाई सब विनिपेग। बस अभी तो घर पहुंचने वाला हूं मैं, होगा 100 मीटर होगा। बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मैंने आपको स्नो दिखानी थी कि क्या लाइफ है एक नॉर्मल स्टूडेंट की जो यहाँ पे विनिपेग में आता है। सो यही फेस करना पड़ेगा आपको स्नो वगैरह, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। बस में हीटर होता है, कई बार ये बस स्टॉप्स होते हैं उसमें भी हीटर मिल जाता है आपको, सो चलता रहता है ये। तो अब अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये बर्फ़ अच्छी लगी हो, तो आज के ब्लॉग में यही थी वो स्पेशल चीज़, ये बर्फ़। सो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर करना और कमेंट कर देना वीडियो को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। Why you still live in vain? I'm not the one, you're the